नगर के बाजार में इस खड़ी में हम लोग यहाँ के सज्जन से जानेंगे। आपका नाम? महेश जी, क्या लग रहा है इस बार वल्लभ नगर हॉट सीट मानी जाती है, तो इस बार कौन जीत सकता है? लहर जीतेगी क्या? जो है जो अभी तक आगे है, आगे जाके देखेंगे पता चलेगा। फिर भी किसकी लहर चल रही है, क्या लग रहा है इस बार विकास कार्य हुआ क्या? विकास कार्य हुआ हुआ क्या क्या विकास हुआ? विकास सर हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे, हॉस्पिटल हुआ, कॉलेज खुले हैं, काफी विकास हुआ है। तो इस बार सरकार को वापस रिपीट हो सकती है, क्या लग रहा है? हो सकती है। बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहते? बीजेपी भी सर वो अभी तो कांटे की टक्कर है दोनों का। कैंडिडेट अगर चेंज हो जाता तो क्या सरकार जीतती? कैंडिडेट सरकार बीजेपी की सरकार आती तो अच्छा। आप किसको बोलते हो? हम तो जो वोट सर बात देंगे, मगर हम तो कांग्रेस के साथ में जी। तो लगा आपको कि कांग्रेस ने काम किया? काम किया क्या? काम और कुछ लगा इस बार? क्या क्या और क्या काम हो सकते थे? काम तो सर और हो सकते थे, मगर जितना समय मिला उस हिसाब से उन्होंने काम किया है। 1.5 साल में जो 2 साल के अंदर जो जितना काम करो उन्होंने काम किया, आगे आगे करवाएंगे। आपको क्या? आपका शुभ नाम? तो मनीष जी, क्या लग रहा है कौन किसकी लाइट चल रही है अभी? तो माहौली का अभी काफी, माहौली को भी हॉट सीट अभी का दर्जा दे दिया है, क्या लग रहा है वहाँ पे? माहौली में तीनों की बराबर टक्कर चल रही है। नया बीजेपी ने वापस नए चेहरे को उम्मीदवार बनाया है। हाँ तो अच्छी बात है ना, चेहरा तो चेंज होने ही। कौन है इस बार चेहरा बीजेपी का? कृष्ण गोपाल जी। लोग कह रहे हैं कि चेहरा नया है, कोई जानता नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट थे। तो इसके बारे में तो अभी वो कमेटी है बीजेपी की, उनको आपको पता है कि बीजेपी के पास और भी कैंडिडेट थे? कौन थे वो कैंडिडेट? थे ना दलित जन जी थे, उन्होंने काम किया था, बहुत अच्छा काम किया। और दिनेश कावड़िया साहब थे जी, कुलदीप सिंह थे, कुलदीप सिंह जी थे, गगन सिंह रावत थे, गगन सिंह रावत थे। तो मौका था बीजेपी और भी दे सकती थी। हाँ और भी थे कैंडिडेट, बहुत थे, बाल्टी ने टिकट दिया नहीं। तो क्या लग रहा है कौन जीत सकता है, कुछ आपको याद समझ आ? देखो हमारे यहाँ से तो पुष्कर जी जाएंगे, पुष्कर जाएंगे जी, हम फैमिली में रहते हैं और हमारे यहाँ से तो वही फिर आगे का ठीक। तो उन दोनों का मानना है कि इस बार दोनों जगह कांग्रेस की सरकार आएगी। भाजी से जानते हैं, भाजी आपका नाम? अशोक कुमार। अशोक जी, क्या लग रहा है कि वल्लभ नगर विधानसभा से इस बार किसको ताज पेश मिलेगा? हाँ हाँ बोल दीदी, मैडम को मिलेगा। आप विकास के कार्य हुए इस विकास के कार्य कहाँ पे मावली में गिन भी नहीं सकते। क्या क्या विकास हुआ? बहुत सारे विकास, मतलब है मावली जैसे जैसे हॉस्पिटल का, स्कूल का, कॉलेज का, मतलब गांवों में पशुओं का, हॉस्पिटल का, हर तरह का विकास। विकास में कोई कमी नहीं रहती। सरकार रिपीट होगी? रिपीट हो या ना हो, हमारे यहाँ से तो प्रतिनिधि सवाल बता देंगे। बीजेपी के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो भी तो नाम रहे, एक बार इधर जाते हैं, एक बार इधर जाते हैं, एक बार इधर, बार बार दल बदलते हैं। हाँ बार बार दल बदलते हैं, उनका जबरदस्त होता है। एक कैंडिडेट और भी थे जिनको दे सकते थे, वो तो हिम्मत जी की गल है। सही कैंडिडेट थे वो उनके लाइन से थे, सही थे। अगर वो होते तो क्या आप उनको टिकट वोट देते? हम तो नहीं देते, लेकिन कैंडिडेट अच्छे, कैंडिडेट अच्छे। ठीक, तो आपको लगता है इस बार प्रीति मैडम आएंगी? प्रीति मैडम आएंगे। ठीक, नमस्ते। आपका नाम? कपिल जी, क्या लग रहा है इस बार? मुकाबला आपने देखा क्या विकास को? विकास तो हुआ है लेकिन पूरा नहीं कह सकता, पूरा नहीं कह सकता। हॉस्पिटल बना है जी, सेटल कर लिया है जी, स्टाफ नहीं, स्टाफ नहीं, खाली सेटल करने से काम नहीं होता है, विकास अधूरा है। विकास क्या नाम है? अच्छा, तो क्या लगता है कौन विकास ला सकता है वल्लभ नगर में? विकास तो देखो ऐसे रहता है, बीजेपी ला सकती है क्या? विकास का मतलब ये है कि वल्लभ नगर की जनता जागरूक नहीं है जी, तो विकास आएगा ही नहीं। अब स्टाफ नहीं है तो जनता बोलेगी तो स्टाफ भेजेंगे ना, बोला स्टाफ कौन भेजेगा? उन्होंने सेटल कर लिया है, अब स्टाफ तो जनता मांग करेगी तब आएगा। और क्या योजना है कांग्रेस की? और क्या योजना आपको सही लगी कांग्रेस की? मुझे तो फिर भी क्या लग रहा है कि कौन जीता सकता है? नमस्कार, आपका नाम? क्या लग रहा है इस बार आपकी? कांग्रेस और बीजेपी में, कांग्रेस और बीजेपी में किस कौन जीत सकता है? कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी के बारे में आपका क्या ख्याल है? वोट जो चुनाव में जो कैंडिडेट को टिकट मिले वो सही मिले कि गलत? सही मिले। घर 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 बदला है कैंडिडेट ने, फिर भी
नहीं नहीं सही मिले थोड़ा वो ऊपर नीचे होता है कैंडिडेट दोनों सही। इस बार बीजेपी आ सकती है शायद शायद आ सकती है। कुल तीन तेल को कुछ तो पता है क्या कौन आ रहा है। कुछ लोग अभी भी असम में ठीक है। इधर हम यहाँ पर देखेंगे इन बाबूजी से जानते हैं। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार। क्या नाम आपका? मेरा कैमरा टैंगी। तो क्या लग रहा है कौन आ रहा है किसमें सरकार? इस बार विधायक कौन आएंगे? सरकार सरकार में बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी किसको? उदयलाल टैंगी। आप डांगी समाज इसीलिए उदय लाल जी का समर्थन कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं हम समाज से लेना नहीं, हम समाज से बीजेपी बीजेपी को लाना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। सुनने में आ रहा है कि इस बार कैंडिडेट को चुनने में बीजेपी ने गलती की है, तो ये सही है कि गलत है? कहाँ पर या कोई गलती नहीं की है। अहमद सिंह झाला को भी शायद टिकट देने की बात चली थी, उसको भी चली थी, और इन्होंने भी पहले इनका भी टिकट कैंसिल हुआ था, फिर इन्होंने आरएलपी ज्वाइन की, आरएलपी के बाद वापस इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करके टिकट दिया। ये पार्टी के साथ गद्दारी हुई क्या? नहीं, आपने बार बार पार्टी चेंज कर रहे हो। पार्टी तो पहले उन्होंने गद्दारी की थी, अभी टिकट देने वालों ने पहले इन्होंने टिकट दिया ही था, फिर उन्होंने आरएलपी ज्वाइन की, फिर वापस टिकट देने की बात करी, इन्होंने वापस बीजेपी ज्वाइन करके इसको टिकट दिया गया, कोई गद्दारी नहीं है। तो क्या लग रहा है बीजेपी आएगी इस बार? 100% आएगी। आपको विकास दिखा था क्या इस बार सरकार का? सरकार का विकास तो देख लो नहीं, सड़क पे मिट्टी उड़ रही है, खड्डे पड़े हुए हैं, ये देखो क्या विकास दिख रहा है आपको बाजार में? ये तो मार्केट की तरह तो गाँव भी अच्छा है, मतलब अच्छा, इससे तो भीड़ भाड़ है गाँव में भी, मतलब मार्केट की हालत देख लो, मतलब हम लोग दुकानदार बैठे हुए हैं, कोई विकास नहीं है। जनता सेना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जनता सेना के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम निर्दलीय अलग तरह लड़ रहे हैं, उनसे कोई लेना। कैंडिडेट सही है वो वल्लभ नगर से, कुछ चाहते ही हमारे हमारे को कुछ लेना देना नहीं, वो वल्लभ नगर से कुछ चाहते ही नहीं है हम, विंडर का विकास विंडर के चाहते हैं, इसलिए हम उनसे पहले जो यहाँ जीते थे तो सब विकास विंडर में ले गए, यहाँ कुछ नहीं किया, यहाँ कुछ नहीं किया, यहाँ गांव बना दिया। आपको स्थानीय उम्मीदवार चाहिए? स्थानीय उम्मीदवार हाँ। अब क्या लग रहा है, क्या लग रहा है कौन आ रहा है इस बार? बाबूलाल जी क्या इस बार बीजेपी जीतेगी? बीजेपी जीतेगी। डांगी समाज इसीलिए बीजेपी का समर्थन कर रहे हो या फिर क्या? समर्थन नहीं, पार्टी को देख रहे हैं, मोदी जी को देख रहे हैं, कैंडिडेट को भी देख रहे हैं, मोदी जी को जाओगे इसीलिए आप बीजेपी में वोट कर रहे हैं। तो पार्टी ने टिकट गलत दिया या सही दिया? पार्टी ने टिकट तो सही दिया है, कैंडिडेट को देख के दिया है, कैंडिडेट को देखा, तो बहुमत भी तो थे, अहमद सिंह झाला थे, पर बहुमत देखा, बहुमत किस किस तरफ ज़्यादा है जी, समाज हर चीज से समाज ज्यादा है, न्यूज आ रही है, न्यूज़। आप महिलाओं को वोट भी देना चाहेंगे? दो तरफ महिलाएं खड़ी हैं, क्या लग रहा है इस बार किसकी लड़ाई चल रही है वल्लभ नगर? उदयलाल टैंगी। लोगों में यह है कि लोगों में गुस्सा है कैंडिडेट को लेके, कि बार बार अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए दल बदल रहे हैं बार बार। तो कोई लोग खफा नहीं है उनसे? कोई खफा नहीं। झाला हिम्मत सिंह झाला भी तो थे कैंडिडेट, झाला साहब उनका साथ देंगे ना? कैसे राज सिंह कैसे उनका उम्मीद भी, उन्होंने इतना काम किया है, उनका नाम था, उनको टिकट मिलेगा पर नहीं मिला। अच्छा इस बार विकास दिखा था क्या 5 साल में? अभी तो आप सामने देख लो, मतलब देख लो क्या है क्या नहीं, आप देख लो। बीजेपी आने के बाद विकास होगा? होगा, वैसे होगा ना। जनता सेना, जनता सेना अगर उनको मिलता तो क्या आप देते? तो हम साथ में थे कमल के साथ, हम तो कमल के साथ हो, कैंडिडेट कोई भी हो, कोई भी होना है, महाराज गांधी सिंह हो, उदयलाल टैंगी हो, झाला साहब हो, पार्टी को जाएगा, पार्टी को जाएगा।